नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ अब की बार किसकी सरकार। दिन के एक बज चुके हैं और जब भी दिन में एक बजते हैं तो हम हाजिर होते हैं बात करने आपसे कि अब की बार किसकी सरकार। तो आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की धरती काशी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, और आपको बताएंगे कि 12 नवंबर को आ रहे हैं बीजेपी के हनुमान। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 12 नवंबर को काशी विश्वनाथ आ रहे हैं बीजेपी के हनुमान। बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के हनुमान जहां भी जाते हैं वहां की चुनावी रणनीति बदल जाती है, इसीलिए इन्हें बीजेपी का हनुमान कहा जाता है। जिस तरह से भगवान श्री राम के हनुमान जहां भी जाते थे तहां की रणनीति बदल जाती थी, उसी तरह से बीजेपी के हनुमान जहां भी जाते हैं वहां की चुनावी रणनीति भी बदल जाती है। तो अब बात करेंगे चुनावी रणनीति कितना बदलेगा और चुनावी रणनीति बदलने की क्या योजनाएं हैं बीजेपी के हनुमान की। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी से मार्च के बीच होने वाले हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। और उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति इस समय काफी गर्म चल रही है। तो चुनावी रणनीति कहीं भी न बदलने पाए और एक बार पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की कमान फिर सौंपी जाए, इसलिए चुनावी रणनीति को बदलने के बीजेपी के हनुमान आ रहे हैं। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बनारस में 12 नवंबर को होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जुटान, जिसमें सदस्यता अभियान पर पूरा ध्यान होगा। एकमात्र यही सच होता है कि जिनके पास सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है फतेह उन्हीं को हासिल होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, इसमें कार्यकर्ता, बूथ समिति, जनप्रतिनिधियों के साथ ही हर स्तर पर दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष पखवारे भर की हासिल की रिपोर्ट ली जाएगी। दरअसल सदस्यता अभियान का शुभारंभ 19 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में किया था, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रदेश भर में 1.5 करोड़ सदस्य बनाया जाएगा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि 29 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का बीजेपी का टारगेट है। इसे पूरा करने की दृष्टि से प्रत्येक कार्यकर्ता को लक्ष्य दिया गया है और माना जा रहा है कि कार्यशाला में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर भी बातें होंगी। इस खास अभियान की रिपोर्ट भी ली जाएगी। इस दृश्य से बैठक जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के लिए भी परीक्षा से कम नहीं है। सभी के हाथ पांव फूलने लगे हैं कि बीजेपी के हनुमान कब किससे क्या पूछ लेंगे, और यह एक परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है। इस प्रदेश स्तरीय खास कार्यशाला व अन्य आयोजनों में भागीदारी के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 12 नवंबर की शाम 4 बजे तक बनारस आने की पूरी संभावना है। इसमें केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी चुनाव से पहले की कार्यशैली तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान की कार्यशैली पर दिशा निर्देश देंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपनी पूरी टीम के साथ वाराणसी आ रहे हैं। वहीं वाराणसी का बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में होने जा रहा है यह कार्यशाला। भाजपा संगठन के दृष्टिकोण से प्रदेश के सभी 98 जिलों से प्रभारी व अध्यक्ष वाराणसी आएंगे। इसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्री समेत 800 की लगभग संख्या भी यहां पे मौजूद होगी। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल के साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। दो स्तरीय कार्यशाला दोपहर में शुरू होगी जो रात तक चलेगी। तो ये पूरी मंथन होगी बीजेपी को, इस बार बीजेपी की कमल को इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में खिलाने की पूरी रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पुनः 5 साल की सरकार प्रदान करने के लिए पूरी रणनीति होगी। उधर तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। तो ये थी अब की बार किसकी सरकार की एक छोटी सी पहल, जो आपको हम दिखाएंगे पूरी 12 नवंबर को पूरा लाइव टेलीकास्ट कि क्या हो रही है और किस तरह से बीजेपी अपनी सफलता की रणनीति तैयार करेगी। 12 नवंबर को शाम 4 बजे से देखिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पर सीधा प्रसारण। तो आप बने रहें और इस तरह की अब की बार किसकी सरकार के लिए हम आपको हर एक दिन की बदलती हुई राजनीति की परिवेश लेकर के हम आपके बीच हर दिन दोपहर 1 बजे उपस्थित होते रहते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार में बस इतना ही और जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।